अस्सलाम असल दिस इज़ असद एफ एस सी मैथ पार्ट टू एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री लेक्चर नंबर एटीन में आज हम क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व कर देंगे फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द गेवन फंक्शन एंड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स शो दैट वेयर द फंक्शन इज़ इनक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ठीक है मतलब ये हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है और इसी फंक्शन का एक रफली डायग्राम मैंने बनाया है मतलब ये इसी फंक्शन का डायग्राम है ठीक है ग्राफ से तो सबसे पहले हम इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होंगे जिस पर इस फंक्शन की डेरिवेटिव क्या होगी ज़ीरो होगी ठीक है तो यहाँ ग्राफ में हम देख सकते हैं एक क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास ये है और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट्स ये है तो इस क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी मतलब कौन सी एक्स और कौन सी वाई पॉइंट्स पे इस फंक्शंस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा ज़ीरो होगा तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स का फार्मूला ये होगा कि हमारे पास एफ़ फ्राइम एक्स जो है एफ फ्राइम एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो फंक्शंस की डेरिवेटिव होगी वो हमारे पास क्या होगी ज़ीरो होगी तो मैं क्या कर दूंगा मैं सबसे पहले एफ प्राइम एक्स फाइंड कर दूंगा तो मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा एफ प्राइम एक्स एफ प्राइम x एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और प्लस ज़ीरो ठीक है ये एफ प्राइम एक्स हुआ हमारे पास तो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या आप लोग लिख सकते हैं फॉर क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ़ प्राइम एक्स को हम इक्वल टू ज़ीरो लेंगे एफ़ प्राइम एक्स इजिकल टू ज़ीरो ठीक है तो यहाँ देखो एफ़ प्राइम एक्स की वैल्यू क्या है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इजिकल टू ज़ीरो एफ़ फ्राइम एक्स की वैल्यू है ठीक है तो यहाँ एक्स थ्री एक्स कामन ले तो जब मैंने थ्री एक्स कामन लिया तो क्या बना एक्स प्लस टू इजिकल टू ज़ीरो हुआ ठीक है अब यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ थ्री एक्स इजिकल टू ज़ीरो और यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स प्लस टू इजिकल टू ज़ीरो तो यहाँ एक्स क्या हुआ एक्स इजिकल टू ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि बोथ साइड थ्री पे डिवाइड करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स इजिकल टू माइनस टू तो एक्स इजिकल टू ज़ीरो और एक्स इजिकल टू माइनस टू ये हमारे पास टू क्रिटिकल पॉइंट्स है यह हमारे पास टू क्या है टू क्रिटिकल पॉइंट्स है इसी ग्राफ के ऊपर अगर आप ग्राफ में देख लें तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास नेगेटिव माइनस वन माइनस टू होता है ना एक्स एक्सिस पे एक क्रिटिकल वेल्यू हमारे पास जीरो पे है जब एक जीरो होगा एक क्रिटिकल पॉइंट्स इधर आएगा और एक क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास इधर आएगा तो एक्स इजिकल टू माइनस टू पर जब एक्स हमारे पास माइनस टू होगा तो ये हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट्स यही होगा और जब एक्स इजिकल टू जीरो होगा तो एक क्रिटिकल पॉइंट्स यह होगा अब हम क्या फाइंड करेंगे अब ये फाइंड करेंगे कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और फंक्शन कहाँ पे डिक्रीजिंग है। आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है आप लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं लेकिन ग्राफ मैंने इसलिए बनाया कि आप लोग इस अच्छी तरीके से समझ सकें तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं एक एक फिजिकल टू ज़ीरो हुआ और दूसरा एक फिजिकल टू माइनस टू अब हम ये देखेंगे कि ग्राफ कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है वो इंटरवल हम फाइंड कर देंगे जिस इंटरवल में ग्राफ हमारे पास इंक्रीजिंग होगा और जिस इंटरवल में ग्राफ हमारे पास डिक्रीजिंग होगा तो जब एक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या है फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा जब f प्राइम x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा जब f प्राइम x हमारे पास ज़ीरो से ग्रेटर देन होगा तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा तो f प्राइम x तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं तो ठीक है तो f प्राइम x का ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैं इसी को लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा थ्री एक्स एन टू एक्स प्लस टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ठीक है तो मैं लिख सकता हूँ थ्री एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो यहाँ भी डिवाइड करो थ्री पे तो एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो और एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस टू ठीक है तो जब एक्स ज़ीरो से ग्रेटर देन होगा ये एक्स जो है एक्स जब ज़ीरो से ग्रेटर देन होगा तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ये मतलब ये इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा ये इंक्रीज होगा ठीक है और जब x ग्रेटर देन होगा माइनस टू से ये माइनस टू है ना इसी माइनस टू से इसी इंटरवल में भी ये फ़ंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा ठीक है एक कंडीशन ये है अच्छा हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा फंक्शन डिक्रीजिंग तब होगा जब एफ प्राइम एक्स लेस देन ज़ीरो हो जब हमारे पास एफ प्राइम एक्स लेस देन ज़ीरो होगा तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा डिक्रीजिंग होगा तो यहाँ पे लिख दो यहाँ पे लिख दो थ्री एक्स एन टू एक्स प्लस टू इज लेस देन ज़ीरो इसको लेस देन ज़ीरो लो तो ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स इज लेस देन ज़ीरो एंड एक्स प्लस टू इज लेस देन ज़ीरो तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन ज़ीरो और यहाँ पे हो जाएगा x इज़ लेस देन माइनस टू जब x लेस होगा माइनस टू से मतलब इसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ये सारी वैल्यूज़ माइनस टू से क्या है लेस है तो इसी में हमारे पास फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग होगा नीचे की आ रहा है और जब x लेस देन होगा ज़ीरो से ये ज़ीरो पॉइंट है ना इसी इंटरवल में भी फंक्शन हमारे पास क्या होगा डिक्रीजिंग होगा ठीक है मतलब इसी इंटरवल में सम टाइम सम जगो पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और सम जगों पे फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग होगा ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम्स था आ, इसी तरह पार्ट बी को आप लोग ट्राई कर सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरह फाइंड करने हैं एफ़ प्राइम एक्स जब इक्वल टू तो जीरो आएगा ये जी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स होगा इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होगी एफ प्राइम एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होगी एफ प्राइम एक्स इज़ लेस देन जीरो होगी अब क्वेश्चन नंबर टू को देख लो क्वेश्चन नंबर टू में क्या द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इसी फंक्शंस की हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर देंगे तो क्रिटिकल वैल्यूज में आपको कह चुका हूँ कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पर फंक्शंस की डेरिवेटिव जीरो होगी तो उसको क्या कहा जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाएगा मतलब एक हमारे पास सपोज क्रिटिकल पॉइंट्स इधर आ सकता है और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट्स इधर आ सकता है क्योंकि इसी पे जो फंक्शंस का डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास ज़ीरो आएगा तो इसको कहा जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स तो क्रिटिकल पॉइंट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे अब इसी पॉइंट को और इसी पॉइंट को मैं कैसे फाइंड करूँगा इसका तरीका ये होगा कि मैं इसका सिंपल डिफरेंशिएशन लूँगा तो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा एफ़ प्राइम एक्स एफ प्राइम एक्स इसका क्या जाएगा, six X square जाएगा. सिक्स एक्स स्क्र आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन टी टू प्लस ज़ीरो आ जाएगा तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे डेरो टू डे जीरो होगा तो मैं क्या लिख दूंगा एफ प्राइम एक्स की जगह मैं ज़ीरो लिख दूंगा तो ये हो जाएगा six X square सिक्स एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवनटी टू ठीक है इससे आप लोग सिक्स कामन ले सकते हैं जब सिक्स कामन लोगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस टूल्व इजिकल टू ज़ीरो बोथ साइड सिक्स पे डिवाइड करो तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व इजिकल टू ज़ीरो इसकी फैक्टराइजेशन कर दे फैक्टराइजेशन में इस तरह कर सकता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टूल्व इजिकल टू ज़ीरो फैक्ट्राइजेशन कर दी फिर आ, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एक्स यहाँ से काम लो तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस फोर आ जाएगा और यहाँ से प्लस थ्री का मन लो तो क्या जाएगा एक्स माइनस फ़ोर आ जाएगा इज़िकल टू ज़ीरो तो यहाँ बे जाएगा एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फ़ोर इजिकल टू ज़ीरो तो मैं देख सकता हूँ एक्स माइनस थ्री इजिकल टू ज़ीरो और एक्स माइनस फ़ोर इजिकल टू ज़ीरो तो ये क्या हो जाएगा ये बन जाएगा एक्स इजिकल टू माइनस थ्री एंड एक्स इजिकल टू फोर मतलब जब एक्स हमारे पास फोर होगा यही पॉइंट पे यहाँ एक्स फिजिकल टू पोर है और इधर क्या है यहाँ एक्जिकल टू माइनस थ्री है एक फिजिकल टू माइनस थ्री और एक फिजिकल टू फोर पर ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे मतलब इसी पॉइंट पे फंक्शंस की डेरिवेटिव तो क्या होगी ज़ीरो होगी अब इस प्रॉब्लम्स को देख लो सेकंड को सेम मेथड है तो इसका डिफरेंशिएशन ले सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा एफ़ प्राइम एक्स थ्री एन टू फोर बाई थ्री एक्स पावर फोर बाई थ्री माइनस वन और माइनस ट्वेल्व एन टू वन वर थ्री एक्स पावर वन और थ्री माइनस वन ठीक है तो इससे क्या जाएगा इससे आ जाएगा हमारे पास ये तो कैंसिल हुआ फोर एक्स पावर इसका एल सी एम लो वन वोर थ्री आ जाएगा और यहाँ पे माइनस फोर एक्स पावर माइनस टू बाई थ्री आ जाएगा ठीक है फिर हम इसको क्या कर देंगे इक्वल टू ज़ीरो लेंगे क्यों क्योंकि एफ़ प्राइम एक्स ज़ीरो होगा क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो मैं लिख दूँगा जीरो इज इक्वल टू फोर एक्स पावर वन वोट थ्री माइनस फोर एक्स पावर माइनस टू बाई थ्री इजिकल टू ज़ीरो फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ फोर एक्स पावर वन और थ्री इज़ इक्वल टू फोर एक्स पावर माइनस टू बाई थ्री तो फोर फोर के साथ कैंसिल हुआ ठीक है फिर इस एक्स पावर माइनस टू बाई थ्री को मैं लिख सकता हूँ इस तरह एक्स पावर वन वर थ्री वन वर एक्स पावर टू बाई थ्री तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दे तो एक्स पावर वन वर थ्री एंड टू एक्स पावर टू बाई थ्री से इजिकल टू वन आ जाएगा यहाँ पर ठीक है इसका एलसीएम लो जब एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा इसका एल्सीयम थ्री आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस टू इजिकल टू वन तो ये so आ जाएगा एक्स पावर थ्री बाई थ्री इजिकल टू वन सो यहाँ आ जाएगा एक्स इजिकल टू वन एक्स इजिकल टू वन पर हमारे पास क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट्स होगा इसी फंक्शन का सिंपल डेरे वीडियो ले इसी फंक्शन का पावर रूल के मुताबिक और फिर क्या करना है आ, फिर एफ़ प्राइम एक्स को इक्वल टू जीरो लेना है एफ प्राइम एक्स हमारे पास क्या जीरो होगा अच्छा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर भी डिस्कस कर देंगे स्टेट हॉस्पिटल